सलमान खान स्टारर फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिल्म बनने से पहले ही लगातार चर्चा में है। रिपोर्ट की माने तो सलमान के जीजा आयुष ने ये फिल्म छोड़ दी है। सलमान खान के कहने पर ही आयुष ने फिल्म छोड़ने का मन बनाया। दरअसल कहा जा रहा है कि फिल्म की कास्टिंग को लेकर इश्यूज हुए थे, डायरेक्टर फरहाद सामजी के साथ उनके क्रिएटिव डिफरेंस हुए थे। अगर आयुष इस फिल्म का हिस्सा होते तो ये उनकी सलमान के साथ दूसरी फिल्म होती। इससे पहले अंतिम द फाइनल ट्रुथ फिल्म में वे सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे। रिपोर्ट्स की माने तो आयुष शर्मा की जगह फिल्म के लिए एक्टर जस्सी गिल को उनकी जगह फाइनल कर दिया है। निर्देशक फरहाद सामजी के साथ क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट के बाद आयुष ने फिल्म छोड़ दी है। हालांकि सलमान खान ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी की थी और दोनों से बातचीत कर मतभेद दूर करने को कहा था। बात नहीं बनते देख ही सलमान ने आयुष को फिल्म छोड़ने पर ही भलाई की बात कही। आयुष शर्मा के बाद जहीर इकबाल ने भी फिल्म छोड़ दी है। फिल्म को सलमान की प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहीं हाउसफुल 4 के डायरेक्टर रहे फरहाद सामजी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। कभी ईद कभी दिवाली में आयुष शर्मा को सलमान खान के भाई का किरदार निभाना था। फिल्म मिलने पर आयुष शर्मा ने कहा था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें लगातार दो प्रोजेक्ट्स में सलमान के साथ काम करने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी तक आयुष और जहीर के इस फिल्म को छोड़ने की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। कभी ईद कभी दिवाली में पंजाब की कटरीना कैफ, शहनाज गिल भी नजर आएंगी। शहनाज की ये डेब्यू फिल्म है। उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। फिल्म में सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े लीड हीरोइन है। इसके अलावा साउथ एक्टर वेंकटेश भी इस फिल्म में अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। कभी ईद कभी दिवाली इस साल के आखिर में या अगले साल रिलीज हो सकती है। फैंस को इस फिल्म के लिए थोड़ा और इंतजार अभी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन भावना टाइम्स।